हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेफर एंड अर्न के बारे में, साथ ही साथ एक कॉमन मिस्टेक जो अगर आप कर देते हैं अकाउंट ओपनिंग के समय तो आपको 50-55 रुपए हर बार जितने दिन आप ट्रेड करेंगे उतने दिन आपका लगता जाएगा और आपको पता चलेगा करीब एक हफ्ते से 15 दिन से 30 दिन भी लग सकते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको 50 रुपये डेली देने पड़ रहे हैं। उसका एक मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा और उसके बाद उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे आप उसको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये आया है, मेरे को भेजा था एक ने कि भाई उनका 50-55 रुपये कट रहा है, ये टोटल 55 रुपीज़ जो था ये उनका लगा है। ये किस बात का लगा है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो उनको घर पर डिलीवर हो रहा है, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट डिलीवरी। ओके, तो ये CGST है और ये स्टेट और सेंटर के GST है, ये उसका चार्जेस हैं। तो टोटल उनका करीब करीब 55 रुपये और 36 पैसा लग रहा है। ये मेरे पास करीब चौथी बार आया है ऐसा, इसके पहले भी 3 लोगों के साथ ये हो चुका है, उनको मैं करेक्ट करा चुका हूँ। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है अकाउंट ओपनिंग के समय, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अकाउंट ओपनिंग के समय गलती कर देते हैं तो बाद में उसे आप कैसे सुधार सकते हैं। तो ये है, अगर आपने डिलीवरी कर रखी है फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट की तो हर बार आपको 55 रुपये आपको लगेंगे। जितने दिन ट्रेडिंग करेंगे आप, रोज़ का कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट होता है, जनरली हमें वो मेल पे मिलता है। लेकिन कुछ जो लोग नए होते हैं, ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, वो उसको फिजिकल डिलीवरी में कर लेते हैं, तो उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जहाँ पे उनको हर बार जितनी बार भी बाय पोस्ट उनके पास पहुँचेगा 50 रुपये उनके डेबिट होंगे। ओके, तो इस गलती को कहाँ से सुधारना है, इस गलती को सुधारने के लिए आपको डीमैट अकाउंट को लॉगिन करना पड़ेगा वेबसाइट से। ओके, ये अब मैंने लॉगिन कर लिया है वेबसाइट से। अब आपको यहाँ पर कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स में। ओके, सेटिंग्स में जाना है और कहाँ पे जाना है, ये जर्नल प्रोफाइल में आपको जाना है। जर्नल प्रोफाइल में आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये लिखा है ट्रिब्यूल मोड्स और कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एंड अदर, तो ये क्या है, हमारा ईमेल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक इसको क्लिक करके आप इसे चेंज कर लीजिए। अभी आपका फिजिकल है, देखिए 50 रुपये लग रहा है यहाँ पर फिजिकल के लिए। ओके, तो फिजिकल में अगर मैं कर दूंगा तो जितने दिन मैं ट्रेड लूंगा रोज़ मेरे को 50 रुपये लगेंगे। अगर मैं डेली ट्रेड करता हूं तो समझिए 50 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को केवल इसके देने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए, और ये हमेशा मेरे घर पे डिलीवर होगा। ओके, तो जो लोग नए हैं वो अकाउंट खोलने के समय गलती कर देते हैं तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, अगर कर दी है तो ये सुधारने का तरीका है। यहाँ पर जैसे मैं फिजिकल कर दूंगा तो मेरे घर पे आने लगेगा, लेकिन मेरे को ईमेल ही रखना है, मैं इसको ईमेल पे ही रखूँगा। आप भी सभी जिसका भी घर पे डिलीवरी हो रही है वो उसको चेंज करके ईमेल कर लें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट या फिर मार्जिन स्टेटमेंट जो भी है मंथली का आता है वो आपके घर आने लगेगा, तो आपका बहुत सारा पैसा लग जाएगा इसमें। ओके, तो इस बात का ध्यान रखें, ये एक ज़रूरी टॉपिक था जिसके बारे में डिस्कस करना था। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अकाउंट केवल रेफर एंड अर्न के लिए खोल रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। अगर आप 3-in-1 अकाउंट खोल देते हैं रेफर एंड अर्न में, 3-in-1 का मतलब ये है कि डीमैट ट्रेडिंग के साथ जो बैंक अकाउंट है वो अगर आप ICICI का लिंक कर देते हैं साथ में, तो आप ये बात ध्यान रखनी कि भले ही आपने 650 रुपये के लिए अकाउंट खोल दिया, 100 रुपये का ट्रेड कराया, कुछ उसको मैं दे दिया आपने, कुछ आपने खुद रख लिया, ऐसे करके 10-50 अकाउंट खोल के सोच रहे हैं कि हम थोड़े पैसे बना लेंगे, पर उससे समस्या ये होगी कि 750 रुपये प्लस GST ये आपको हर साल आपके खाते से कटता जाएगा। अगर अदर बैंक है तो वो कटेगा नहीं, बस वो उसमें शो करेगा आपके डीमैट में कि भाई इतना आपको पैसा देना है अभी ICICI को। ओके, इनिशियली नहीं लगता है, 1 साल के बाद लगता है, जैसे ही आपका 1 साल पूरा होगा वैसे ही अगर आपका 3-in-1 अकाउंट है तो आपके बैंक से पैसे तुरंत कट जाएंगे। ओके, और रेफर एंड अर्न में बहुत बार कॉल आए हैं मेरे पास, करीब 500 से ऊपर कॉल आ चुके हैं कि भैया हमारा पैसा अभी तक नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, उस केस में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या फिर अकाउंट ओपनिंग
के रिलेटेड कोई क्वेरी है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में या ICICI का प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ करना है, मैं सिर्फ आपको उसी की जानकारी दे पाऊंगा। अगर आप कहें कि भाई रेफर एंड अर्न का मेरा पैसा नहीं आया, मेरा सक्सेसफुल रेफर हो गया है तो वो क्यों नहीं आया, तो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि तीन तीन दिन के अंदर पैसा आ ही जाता है, थोड़ा समय भी लग जाता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हैं। कस्टमर केयर का नंबर कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई बाहर से ऐसे ही गूगल से सर्च करके कस्टमर केयर में जाइए, वो फ्रॉड भी निकल सकता है, ठीक है। तो आपको अगर कस्टमर केयर चाहिए तो यहाँ पे देखिए, ये जो एक लेडी का फेस बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है, कस्टमर सर्विस लिखा जाता है यहाँ पर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस में, या रिक्वेस्ट अ कॉल, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अ कॉल करेंगे तो वो आपको खुद से कॉल करेंगे, ओके। कॉन्टैक्ट अस में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये है, NRI के लिए हेल्प डेस्क अलग है और इंडिया के लिए हेल्प डेस्क अलग है, ओके। तो ये है आपका नंबर जिस पे आपको कॉल करना है, और अपने कोई भी अगर समस्या है तो इसको नंबर पे कॉल करके आप उससे पूछ सकते हैं, ओके। फंड नहीं, आपका डेबिट डेबिट हो गया, आपके अकाउंट में नहीं पहुंचा है, और आपने फंड डाला लेकिन आपके डीमेट में नहीं शो हो रहा है, उसके लिए आपको इसी नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। उस पर मैं आपकी किसी भी तरह से कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये सिर्फ मैं अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनके लिए हेल्प कर सकता हूँ बस, ये बाकी जो मेरा क्लाइंट नहीं है उनके लिए मैं ये हेल्प नहीं प्रोवाइड कर सकता, ये मेरे हाथ से बाहर है, ओके। तो प्लीज़ मेरे से इस तरह के सवाल मत करिए कि 650 रुपये हमारा क्यों नहीं आया, मेरा सक्सेसफुल रेफर हो चुका है। और ये NRI कस्टमर केयर के नंबर हैं, ये अभी अभी अपडेट हुए हैं, पहले ये नहीं थे, ये USA के हैं। पहले सिर्फ ईमेल आईडी होती थी और एक जनरल नंबर होता था, अब USA के लिए, UAE के लिए, सिंगापुर, UK और ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग अलग नंबर आ गए हैं कस्टमर केयर के। तो यहाँ पर आप इनको कॉल करके पता कर सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।